हम बहुजन, पेरियार और भीमराव अंबेडकर को ईश्वर मानते हैं। कुछ समय पहले आप सलवार में भागे थे, अब की आपका पेटीकोट भी पहनना मुश्किल हो जाएगा। उनके स्कूल जाने के क्रम में उनको शिक्षक विद्यालय में घुसने नहीं देते थे। अंबेडकर पेरियार के विचारों को मानने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी या फिर कहिए अल्पसंख्यक, जो कि मुस्लिम समाज को भी कहा जाता है, वो रामदेव की नज़र में, बाबा रामदेव की नज़र में आतंकवादी है, वैचारिक आतंकवादी। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी युवा हैं, दलित समाज के भी युवा हैं। इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं रामदेव के इस बयान को लेकर, क्योंकि अभी तक मुसलमानों को ही इस तरह से टारगेट किया जाता था कि वो आतंकवादी हैं। मुसलमानों को एक तरह से कहिए डायलॉग करना पड़ा था कि माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो पहले मुस्लिम समुदाय से आने वाले जो युवा हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद अयान हुआ नाम। जो स्टेटमेंट दिए हैं सरासर गलत दिए हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूले नहीं हैं। डिस्कवरी चैनल पे उनका एक शो आता था जिनका नाम, उसका एक संघर्ष है शो का नाम, उसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ कैसे छुआछूत और कैसे पेड़ पर लटक के पढ़ते थे, यहाँ तक उन्होंने बताया है। और ये बोला है कि उन्होंने उनके स्कूल जाने के क्रम में उनको शिक्षक विद्यालय में घुसने नहीं देते थे, छुआछूत के मतलब आरोप में। रामदेव जी, जी उन्हीं को। और उन खुद यादव जाति से आते हैं, यानी कि बहुजन जी, और वो खुद बोले हैं कि उनके ऊपर घी चुराने का आरोप भी लगाया गया था, उस शो में बताया गया है। तो उनको सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कैसा लगा? पहले मुसलमान समुदाय के लोगों को सीधे आतंकवादी बोल दिया जाता था, दलितों को पहले नक्सली बोला जाता था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, अब आतंकवादी दलितों को भी बोला जा रहा है। देखिए, हम लोगों को जो बोला जा रहा था उस पर तो बहुत सारी मूवी बनी है, कुछ भी हम लोग का जो है विचार वो हैं, जो लोग हम लोग कितना भी देशभक्ति अपना दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक से मुसलमान को देशभक्त नहीं मानते हैं, जिनका हम लोग बहुत कोशिश किए उनको कैसे भी अपना साबित करें हम, लेकिन बहुत हर एक प्लेटफॉर्म में आज भी हम लोग साबित करने पे ही लगे हैं कि हम लोग बहुत देशभक्त हैं। लेकिन यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है हम लोगों के साथ, और अब तो मतलब दलित भाइयों के साथ भी ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं खुलेआम, उनको सोच समझ के ऐसे बोलना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर रोड पर निकल गए तो उनका चलना मुश्किल कर देंगे। रामदेव का जी जी, दलित मुस्लिम जितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। आज देश में देखा जा रहा है कैसे संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे आर्टिकल या जितने भी है उसको अभी खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब हम लोग रोड पे निकलने के लिए तैयार हैं। वो समझ रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नाम हेमंत कुमार निरंजन हुआ, मैं भीम आर्मी पटना जिला महासचिव। रामदेव का कुछ समय पहले एक वीडियो देखा जिसमें हम लोगों को वैचारिक यानी पेरियार अंबेडकर के विचारधाराओं को आतंकवादी करार दिया गया है, यानी आतंकवादी विचारधारा से जोड़ा गया है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्या वो किस समाज से आते हैं? पेरियार के बारे में वो जानते हैं? अगर पेरियार के बारे में नहीं जानते हैं तो वो अपने समाज के बारे में भी नहीं जानते हैं। और मैं उनको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अपने वाणी पे थोड़ा लगाम रख के ही बोले, नहीं तो बहुजन जब एकजुट हो जाएंगे तो। कुछ समय पहले आप सलवार में भागे थे, अब की आपका पेटीकोट भी पहनना मुश्किल हो जाएगा। जितना जल्दी से जल्द हो सके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले कल के समय में कोई ऐसी बयान देने से पहले 100 बार सोच सके कि वैचारिक आतंक होता क्या है। पहले माओवादी बोला जाता था, उसके बाद अब वैचारिक आतंकी यानी सीधा सीधा आतंकी बोला जाता है, और उस पे देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाए। मेरा नाम आनंद प्रवीण है, मैं पटना में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। बाबा रामदेव ने जो बात कही कि पेरियार नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग, ईश्वर को जो नहीं मानता है वो उसको दोयम दर्जे का लोग कहा गया, इज्जत से बात नहीं की पेरियार के लिए। पेरियार हमारे लिए, जब कोई हिंदू कहता है कि राम हमारे ईश्वर हैं, तो वैसे ही पेरियार हमारे लिए उसी स्तर के हैं, वो हमारे पूर्वज इस रूप में हैं कि पेरियार और अंबेडकर को हम ईश्वर मानते हैं। जैसे कोई हिंदू राम को ईश्वर मानता है, वैसे ही हम बहुजन पेरियार और भीमराव अंबेडकर को ईश्वर मानते हैं। ब्रेन वॉश उनका हुआ है पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि दलित हो, बहुजन हो, कोई भी हो,
अगर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो फिर वो जन्मजात की वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है। वो अब हम उनको बहुजन नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो रामदेव को बहुजन नहीं, नहीं मानते हैं। क्यों माने? अगर कोई दलित भी आरएसएस में जाके आरएसएस की बात करता है तो वो दलित नहीं है। मैं उनको दलित नहीं मानूंगा। गद्दार दलित, बिल्कुल गद्दार दलित हैं वो। फिर गद्दार बहुजन है? हाँ, गद्दार बहुजन है।